असलम एवरी वन वेलकम बैक टू डिफ्यूजन कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे आज हम एप्लीकेशन ऑफ मेले मशीन देखेंगे लास्ट लेक्चर में हमने मेले मशीन के बारे में देखा था कि मेले मशीन क्या होती है उसके ट्रांजिशन टेबल्स किस तरह से बनाते हैं और मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था उम्मीद करती हुई आप लोगों ने वो सॉल्व कर लिया होगा आज हम एप्लीकेशन ऑफ मेले मशीन देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन में क्या है कंप्लीमेंट मशीन है ठीक है हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर हम मेले मशीन यूज कर सकते हैं लाइक कंप्लीमेंट मशीन होगी जिसमें वो हम कोई भी इनपुट देंगे वो उसका हमें कंप्लीमेंट बता देगा या हम उसको एज ए इंक्रीमेंट मशीन यूज़ कर सकते हैं या हम ये देख सकते हैं कि एक आ, मशीन जो है या हमारे पास जो भी स्ट्रिंग है उसमें डबल बी कितनी दफा आ रहा है डबल ए कितनी दफा आ रहा है या हम ये कह सकते हैं कि उसकी जब भी सेकेंड लेटर आएगा लाइक डबल बी है तो जब सेकेंड बी आएगा तो हमें बता दे कि ये इसका सेकेंड बी है कॉजेक्टिव बीज आना स्टार्ट हो गए हैं तो इस तरह की चीजें हम एल मशीन के जरिए से देख सकते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्लीमेंट मशीन कंप्लीमेंट मशीन क्या होती है लाइक हमने अगर जीरो दी है इनपुट तो हमें आउटपुट में वन शो हो या अगर हमने इनपुट वन दी है तो हमें आउटपुट में शो हो ज़ीरो या लाइक उसका ओपोजिट शो हो ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है हमने कम्प्लीमेंट मशीन बनानी है तो सिंपलेस्ट एग्जांपल मैल मशीन की वो यही है कि हम कम्प्लीमेंट शो करवाते हैं जिन्होंने डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन पढ़ा वह उनको कम्प्लीमेंट मशीन के बारे में बेहतर बताओ तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है जब हमने ज़ीरो इनपुट देनी है तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी वन आएगी और जब हमने वन देनी है इनपुट तो आउटपुट ज़ीरो आएगी तो इसकी सिंपल सी एक ही मैलई मशीन बनेगी जिसमें एक ही स्टेट होगी और एक ही हमारे पास सेल्फ लूप होगी यहाँ पर हमारे पास आ, हम कह सकते हैं कि ये दो एजिस हैं हमने कहा था ना? लास्ट लेक्चर में कि जब दो एजिस हों हम उनको एक एज के जरिए से डिनोट कर सकते हैं लाइक like यहाँ से हमारे पास दो एजिस बन सकते थे किस तरह से ये हमारे पास एक स्टेट है जिसका नाम है, uh, Q, not, ठीक है? और यहाँ से एक हमारे पास एज निकल आता ये वाला लाइक दिस इज जीरो और इसकी आउटपुट क्या है वन और इसी तरह से हमारे पास एक एज होता जिसकी आउटपुट होती वन जीरो ठीक है तो ये दो एजिस हमारे पास नहीं रहे थे तो हमने उसको क्या किया दो सेपरेट एजिस लिखने की जगह हमने क्या किया है एक वन एज में उनको लिख दिया है और हमने किससे सेपरेट किया उनको कोमा से सेपरेट किया ठीक है उसके बाद हमारे पास जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ये एक आ, हम अब ट्राई करते हैं कि क्या ये हमें सही आउटपुट देता है या नहीं देता तो हमारे पास इनपुट है जीरो जीरो वन जीरो वन ज़ीरो अब जहाँ पर जीरो लिखे वहाँ पर वन आना चाहिए और जहाँ पर वन लिखे वहाँ पर ज़ीरो आना चाहिए हम क्या करेंगे हम इसे ट्रिंग को रीड करके देखेंगे अब यहाँ पर हमारे पास पहले ज़ीरो था तो हमने जब जीरो को रीड किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी वन आएगी दैन हमारे पास सेल्फ लूप चलिए देन हम क्यू नोट पे ही आए हैं फिर हमारे पास नेक्स्ट इनपुट क्या है हमारे पास जीरो अगेन है तो हमने जब जीरो को किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है वन आ रही है तो हम इधर वन लिख देंगे देन हमने जब वन को रीड किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी जीरो आएगी तो हमारे पास इस तरह से हम रन करते रहेंगे और लास्ट हमारे पास जीरो है तो ज़ीरो की जगह हमारे पास वन आना चाहिए था तो जब हमने ज़ीरो रीड किया तो उसकी आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास वन आ रही है तो हमने इधर वन लिख दिया ठीक है ये हमारे पास केस है जहाँ पर इनपुट अल्फाबेट्स और आउटपुट अल्फ़ाबेट दोनों जीरो वन है तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास जीरो कौन सा है और वन कौन सा है जो हमारे पास जो इनको लिखने का क्राइटेरिया है वो ये होता है कि पहले हम इनपुट लिखते हैं देन हमारे पास स्लैश डाल के हम आउटपुट लिख रहे होते हैं ठीक है तो ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास आउटपुट है नेक्स्ट हमारे पास क्या है ये तो हमारे पास कंप्लीमेंट मशीन हो गई नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीमेंट मशीन इंक्रीमेंट मशीन हमारे पास क्या होती है जैसे कि हमने अक्सर प्रोग्रामिंग में देखते हैं हम इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं लाइक like जब हम फोर्ड लूप चलाते हैं तो हम उसमें आई में इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं आई में इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि उसमें प्लस वन कर दो तो, तो यहाँ पर हम वही इंक्रीमेंट मशीन बिल्ड करने जा रहे हैं इंक्रीमेंट मशीन में क्या होता है कि हम उसका नेक्स्ट डिजिट लाइक टू है तो टू प्लस वन थ्री हमें थ्री का कोड वो शो करवाएगा अगर थ्री है तो फोर होगा थ्री प्लस वन लाइक उसमें प्लस वन ऐड करना ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास इंक्रीमेंट मशीन है ये हमारे पास आ, इसकी स्टेट्स ये है हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट है एक नो कैरी स्टेट है और एक ओ कैरी स्टेट है अब हमारे पास इंक्रीमेंट में एक पूरा प्रोसीजर होता है जो आ, जो डी एल डी पढ़ के आए हुए हैं उनके लिए इजी होगा क्योंकि उनको पता है कि हम किस तरह से एडिशन वगैरह करते हैं जब हमने बाइनरी नंबर्स में करनी होती है हमें पता है कि जो हमारे कंप्यूटर है उसको कौन सी लैंग्वेज समझ आती है वो बाइनरी फॉर्म में रीड करता है तो हम क्या करेंगे हमारे पास जो भी नंबर होगा उसको हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया लाइक like हमारे पास वन है तो उसकी बाइनरी फॉर्म जीरो 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 वन होती है टू है तो उसकी बाइनरी फॉर्म जीरो जीरो वन जीरो होती है थ्री की डबल जीरो डबल वन होती है ठीक है अब यहां पर हम एक देखते हैं लाइक अगर हमने प्लस वन करना हो यानी कि टू का इंक्रीमेंट देखना हो तो वो क्या होता है वो हमारे पास थ्री होता है तो हमने इंक्रीमेंट ऑफ दिया और अगर हम इसकी डीएलडी में बात करें लॉजिक डिजाइन में किस तरह से इसको करते थे तो हम इस तरह से करते थे ना हम दोनों का बाइनरी नंबर लिख देते थे सम करते थे जीरो वन होती है हमने उसको लिख दिया एंड देन हम इनको ऐड करेंगे वन प्लस जीरो क्या होता है हमारे पास वन होता है वन प्लस जीरो वन ज़ीरो जीरो जीरो ज़ीरो ज़ीरो होता है तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी ठीक है अब हम इसको मशीन पे रीड करके देखते हैं लेकिन जब हमने मशीन पे रीड करना है ना तो हमने ये इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं देना हमने इसको फेड इन बैकवर्ड डायरेक्शंस में करना है इसका क्या मतलब है कि हमने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में करना है लाइक like हमारे पास अगर जीरो जीरो वन जीरो लिखा है तो हम इसको किस फॉर्म में भेजेंगे हम इसको इस डायरेक्शन में नहीं भेजेंगे ठीक है हम इसको रिवर्स कर देंगे हम इसमें जो फीड करेंगे वो जीरो वन ज़ीरो ज़ीरो होगा हमने इस तरह से क्यों करना है क्योंकि देखो हमारे पास सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी होती है वो ये होती है राइट साइड वाली होती है ना तो हम इसलिए रिवर्स डायरेक्शन में इसमें फीड करेंगे तो हमारे पास जो बैकवर्ड होगी वैल्यू वो क्या होगी ज़ीरो वन जीरो ज़ीरो ठीक है अब हम इसको इसके अंदर डीट करना शुरू करते हैं जब हमने इसमें ज़ीरो डीट किया स्टार्ट स्टेट से तो हम क्या करेंगे आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा वन आएगा तो हम इधर आउटपुट में लिख लेते हैं वन आउटपुट आ रही है हमारी वन ठीक है देन हमने क्या करना है अब हमें इस स्टेट में चले गए नो कैरी में हमारे नेक्स्ट इनपुट क्या है हमारे नेक्स्ट इनपुट वन है हमने जब इसको वन दिया तो हमारे पास क्या आ रही है आउटपुट वन तो हम इधर वन लिख देंगे देन हमने जब जीरो किया तो हमारी आउटपुट क्या आ रही है जीरो तो हम जीरो लिख देंगे अगेन हमारी सेल्फ लूप चली और हमारे पास नेक्स्ट करेक्टर ज़ीरो था और उसके आउटपुट क्या है ज़ीरो तो हम इधर ज़ीरो लिख देंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आई है वो वन वन जीरो जीरो आई है ये भी हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको हम हम जब रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी ज़ीरो जीरो वन वन ठीक है और ये हमारा आंसर है क्या ये मैच हो रहा है थर्ड के तो येस दैट इज़ द करेक्ट अब हम इसके एक और एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं लाइक थ्री का इंक्रीमेंट देखते हैं क्योंकि ये तो बहुत ईजी था इसमें कोई कैरी नहीं आया हमारा तो अब हम विद कैरी कोई एग्जांपल देखते हैं अब यहाँ पर हम क्या करते हैं इंक्रीमेंट ऑफ थ्री थ्री का क्या मतलब है थ्री प्लस वन हो जाएगा और थ्री प्लस वन क्या होता है फोर होता है अब हमारे पास जो थ्री का बाइनरी फॉर्म होती है वो क्या होती है जीरो जीरो वन वन इस पर भी हमने इंक्रीमेंट वन का ही करना तो हमारे पास क्या बनेगी वन प्लस वन क्या होता है हमारे पास डी एल डी में हमने पढ़ा था वन प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो और हमारे पास इधर वन कैरी चला जाता है तो वो वन कैरी प्लस वन क्या होता है वो भी अगेन जीरो आएगा तो हम इधर जीरो लिखेंगे और इधर वन कैरी जाएगा तो वन प्लस जीरो वन और वन प्लस जीरो वन आएगा तो हमारे पास आंसर ये आता है डी एल डी में ठीक है अब हम इसको इस मशीन पर रन करके देखते हैं हमने क्या करना है ज़ीरो ज़ीरो वन वन हम हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लिख देंगे डेट इज़ वन वन जीरो ज़ीरो एंड देन हम इसको अब डीड करेंगे अब हमने वन वन जीरो ज़ीरो को रीड करना है तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी मैं ये वाली आउटपुट जो है वो रिमूव कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो ठीक है नहीं यहाँ पर वन को रीड करना है वन को रीड करना है हम कौन से डायरेक्शन में जाएंगे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे और हमारी आउटपुट क्या आएगी ज़ीरो आएगी तो हम यहाँ पर आउटपुट लिख देते हैं कि हमारी आउटपुट आ रही है ज़ीरो अब हम इस स्टेट में चले गए हैं यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट आउट इनपुट क्या है हमारी वन है हमने यहाँ पर वन रीड किया तो हमारे पास क्या आएगा ज़ीरो आउटपुट आएगी तो हम इधर क्या करेंगे हम इधर ज़ीरो लिख देंगे हमारे पास नेक्स्ट इनपुट क्या है जीरो है तो हमारे पास जीरो कहाँ लेके जा रहे हैं हमें नो कैडेट स्टेट की तरफ लेके जा रहे हैं हम नो कैडिट स्टेट की तरफ चले जाएंगे और हमारी आउटपुट क्या होगी वन होगी तो हम इधर लिख देंगे वन एंड देन हमारे पास लास्ट करेक्टर है वो जीरो है तो हम जीरो रीड करेंगे तो हमारे पास कौन से डायरेक्शन में जाएगा वो अगेन नो स्टेट पर आ जाएगा विद आउटपुट ऑफ जीरो तो हम इधर क्या लिख देंगे जीरो लिख देंगे ठीक है अब इसको हमने क्या करना है ये हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में आउटपुट आई है ना तो हम इसको जब रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा तो क्या ये रिजल्ट मैच हो रहा है तो यस जीरो वन जीरो ज़ीरो इज़ द करेक्ट आंसर तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट मशीन हमने क्रिएट कर ली है अब यहाँ पर ना अगर हम देखें तो ये इंक्रीमेंट मशीन में एक स्टेट एक्स्ट्रा है हम इनको टू स्टेट्स के जरिए से भी सॉल्व कर सकते थे ये एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि अगर आपको इनको टू स्टेट्स में करना हो तो आप कौन से स्टेट रिमूव करोगे तो आप ये वाली स्टेट रिमूव कर दोगे क्यों करोगे क्योंकि देखो यहाँ से सिंपली क्या कर रहा है ये हमारे पास एक स्टेट पर जा रहा है वन इनपुट ले रहा है और ज़ीरो आउटपुट दे रहा है और यहाँ पर सेल्फ लूप चला के भी यही कर रहा है और जो ये एज जा रहा है वो सेम यही एज नहीं है जो ज़ीरो से वन यानी यानी कि नो कैरी पे वो कब जा रहा है जब हमारे पास ज़ीरो इनपुट होगी और आउटपुट वन शो कर रहा होगा तो ही वो नो कैरी में जा सकता है तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर सकते थे हम इस स्टेट को रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पर हम एक न्यू एज बना दें डेट इज़ दिस वन अगर हम एक एज बना दें वन ज़ीरो का तो भी हमारे पास सही से वर्किंग होगी और यहाँ से हम इसको ख़त्म कर दें अगर हम सिर्फ इतनी स्टेट को देखें तो भी हमारे पास ये वर्किंग करता है कैसे जैसे कि हमने वन रीड किया है तो वन रीड करने से हमारे पास आउटपुट क्या है जीरो आ रही है ठीक है हमने जीरो लिखा हुआ है इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट करेक्टर किया है फिर वन है फिर हमारे पास सेल्फ लूप चली है और हमारे पास आउटपुट क्या है ज़ीरो है तो हमने इधर ज़ीरो लिख दिया है देन हमारे पास नेक्स्ट डिजिट क्या है ज़ीरो है हमने ज़ीरो पे गए हैं और हमने आउटपुट वन शो करा दी है ठीक है फिर हमने यहाँ पर हमारे पास सेल्फ लूप में आ गए हैं अगेन हमारे पास नेक्स्ट डिजिट क्या था ज़ीरो था हमने यहाँ पर आउटपुट देखी ज़ीरो है एंड यहाँ पर हमने ज़ीरो लिख दिया तो हमारे पास आउटपुट भी सेम आ रही है तो हम इसको टू स्टेट्स के जरिए से भी कर सकते थे अब आज का लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़